नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल से मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मलीहा अदनान। नाज़रीन, रिवायती खाने तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज नोवोस पैन एशियन कुज़ीन पे मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी और खिलाऊंगी चाइनीज, जैपनीज और थाई फूड। चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नोवोस किचन में। यहाँ हम इनके हेड शेफ हिदायत अली से बात करेंगे, देखते हैं आज हमें क्या स्पेशल बनाकर खिला रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वा इस्लाम। जी सर, आज हमें आप क्या स्पेशल बना के खिला रहे हैं? हम आज आपको हमारा स्पेशल रेसिपी है जी, हॉट पॉट। ये रॉ मटेरियल के साथ इस पर स्टॉक होते हैं, स्टॉक हम खुद बना के देते हैं और बाकी रॉ मटेरियल होते हैं वो कस्टमर खुद जो है ना अपने हाथ से बनाते हैं। इसका मतलब है हम खुद बनाकर खाएंगे? जी, आप खुद बना के खाएंगे और वो साथ जो है ना आपके टेबल पे इसके लैम्प जलते रहेंगे, स्टॉक को बॉयल होते रहेंगे, तो आप चीज़ें आपने खुद ही डाल के इसको पका के खाना है। तो इसका मैक्सिमम टाइम जो है ना मीट का होते हैं कोई 5 से 6 मिनट टाइम होते हैं, बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो जस्ट 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने एग वन बाई वन पहले मीट, उसके बाद फिर वेजिटेबल्स डाल के इसमें पकाना होते हैं और 5 मिनट बाद ये पक जाते हैं तो आप सर्व शुरू करते हैं। आप हमें बताएंगे इस वक्त यहाँ पर इसको पकाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? जी, हमारे पास हॉट पॉट के लिए ये स्पाइसी ब्रोथ है। ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक रेसिपी है, इसमें स्पाइसी होते हैं थोड़ा सा और सॉल्टी होते हैं। दूसरा और इसके साथ इसमें ये नूडल है, चाइनीज बुक चाय है, ब्लैक मशरूम है, चाइनीज नूडल है, ये बीफ है और वन डम्पलिंग है, चिकन है, चाइनीज़ कैबेज है, टोफू है और बीन्स पॉट है, ये फंगस नूडल है। ज़बरदस्त। तो इसका कुकिंग टाइम कितना है मीट का? इसमें मीट का कोई 5 से 6 मिनट इसका टाइम है मीट कुकिंग का, और डम्पलिंग का भी इतना ही है, 5 से 6 मिनट होगा। बाकी नूडल्स एंड वेजिटेबल्स 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो शेफ बताइएगा आपकी स्पेशलाइजेशन जैपनीज चाइनीज़ फूड की है? जी, हमारे चाइनीज़ थाई और जापनीज़ तीनों है कुजीन। इसमें हमारा स्पेशल चिकन है, वो बड़ा यूनिक रेसिपी है और हमारी ही है, आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा स्पेशल चिकन, ये मेरा अपना रेसिपी है। अच्छा, आपकी अपनी रेसिपी? अपनी, मेरा अपनी रेसिपी है, तो सिर्फ यहाँ पे ही मिलेगा नोवो में और कहीं नहीं मिलेगा अभी तक। आप सुन रहे हैं कि अगर आपको यहाँ का नोवोस चिकन के नाम से है, नोवोस स्पेशल चिकन फिश है, इसमें प्रॉन भी है स्पेशल सॉस के नाम से है, इसमें फिश प्रॉन चिकन बीफ तीनों में बनते हैं। चाइनीज़ में आपके पास क्या ऐसा स्पेशल है? जी, वैसे तो चाइनीज़ में हमारे सारे चीज़ें डिफरेंट रेसिपी के साथ बहुत अच्छा इसके साथ है, टेस्ट के साथ, लेकिन हमारा स्पेशल चिकन है ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, ये हमारा ही अपना रेसिपी है और ये कहेंगे और किसी रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नहीं, तो ये आपके लिए स्पेशल हमने बनाया है अभी। ठीक है, जो है ना आप इसको ट्राई करके देखें और आप खुद ही बताएंगे कि इसके क्या है। इसमें मुझे तो वैसे काफ़ी ग्रीन भी नज़र आ रही है, थोड़ा सा ब्रीफ भी करें आपने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की। बिल्कुल, इसमें एक तो इसमें स्पाइसी है, स्पाइसी लवर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, और दूसरा इसमें मटी, कैप्सिकम, कैरेट और चिकन होते हैं, चिकन जो है ना क्रिस्पी चिकन होते हैं। ठीक है, बाकी जो है सॉस है, इसकी सॉस में विनेगर होते हैं, ये सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। और चिकन को सॉफ्ट रखने के लिए कोई टिप देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, चिकन को फ्राई करने के लिए चिकन पहले उसको मैरिनेट करते हैं कॉर्नफ्लोर, मैदा और सॉल्ट पेपर लगा के, एग्स वगैरह लगा के इसको मैरिनेट करते हैं, तकरीबन आधा 1.5 घंटे रखने के बाद इसी उसको फ्राई करते हैं, कम आँच पे हल्की जो है ना हीट पे इसको फ्राई करते हैं पहले, फिर उसको निकालते हैं 5-10 मिनट रखने के बाद फिर फुल हीट पे इसको दोबारा फ्राई करते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको साथ टिप भी शेयर की कि चिकन को घर पे अगर आप रेसिपी बनाएं तो किस तरह सॉफ्ट रखा जाए। शेफ मुझे बताएगा, चाइनीज़ तो लाहौर में और भी काफ़ी जगहों पर मिलता है, नोवोस किचन में ऐसा क्या स्पेशल है कि जो लोग यहाँ पर आकर ये ट्राई करें? इसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो है ना चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है और उसके हिसाब से बनाते हैं, तो उस और दूसरा जो पाकिस्तानी टेस्ट और चाइनीज़ टेस्ट जो है ना हमने दोनों को कंबाइन करके ये एक रेसिपी बनाया है अपना पूरे मेन्यू का। तो जो इसमें आप सॉसेज यूज़ करते हैं वो भी आप खुद बनाते हैं? सॉसेज बाहर से आते हैं, वो जो डिश के हिसाब से इसके रेसिपी होते हैं वो हम खुद जो है यहाँ पर डेवलप करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर जो हॉटपॉट आपने हमारे साथ शेयर किया, ये दिन में कितने हॉटपॉट आप प्रिपेयर कर लेते हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हॉटपॉट का तो बहुत अच्छा हुआ है, अभी अब सीज़न शुरू हो रहे हैं तो सीज़न में कम से कम हम 40-50 हॉटपॉट जो है ना डेली के सेल करते हैं। पर डे की? हाँ जी। इसको ट्राई भी करते हैं, देखिए मेरे मुँह में तो बहुत पानी आ रहा है, आइए आप लोग सामने इसको ट्राई भी करते हैं, इसका टेस्ट कैसा है।
जी तो नाज़रीन, हॉट पॉट हमारा टेबल पर लग चुका है, शेफ हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करी, तो हमें हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह बनाया जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इसमें मीट डालते हैं। ठीक है, चिकन है हमारा। अच्छा, मीट हम इसमें इसलिए पहले डालेंगे ताकि टेंडर हो जाए। टेंडर हो जाए बिल्कुल अच्छे से। इसके साथ ये डंपली भी डालते हैं क्योंकि ये भी रो होते हैं, वो ये भी साथ डालते हैं इसको। डंपलिंग्स भी इतना ही टाइम लेती हैं टेंडर होने में? जी इतना ही टाइम। ठीक है, और डंपलिंग में स्टफिंग किस चीज़ की है? ये भी चिकन का है और चिकन में वेजिटेबल और चिकन जो है मिक्स करके और बाकी स्पाइसेस में लगा के डंपलिंग बनाया हुआ है। ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं? ये है बीफ। बीफ 7 to 8 मिनट में टेंडर हो जाएगा? जी जी, ये बॉइल्ड बीफ है, टेंडर हो जाते हैं। ठीक हो गया, देख सकते हैं आप लोग, इसमें हमारा चिकन भी शेफ ने ऐड कर दिया है, बीफ भी ऐड किया है और डंपलिंग्स ऐड किए हैं। अब ये इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं। ऑलराइट, इसको इन्होंने कवर कर दिया। अब इसको कोको ने देंगे? जी, इसको आप कोको ने देंगे थोड़ा सा, जैसे एक दो वाला आएंगे तो इसमें हम फिर बाकी जो वेजिटेबल्स नूडल ऐड कर देंगे। अच्छा, नूडल्स जो है आपकी पहले से पार बॉइल्ड है? जी, ये एक चाइनीज नूडल है, वो पहले से बॉइल हुआ हुआ है। जो एग नूडल पहले से बॉइल हुआ हुआ है, चाइनीज नूडल है ये रो है। ठीक है, इसमें डालेंगे तो फौरन पक जाएंगे। आप इसमें कब डालेंगे? कुकने में कितना टाइम लेते हैं? इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं कुकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वेजिटेबल्स नूडल्स जो है ना वो साथ ही डालेंगे तो 2 से 3 मिनट में ये कुक हो जाते हैं। ठीक हो गया, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होगा। जब तक हमारा मीट टेंडर होता है हम वेट करते हैं। जैसे कि भी आपने देखा, शेफ ने इसके अंदर पहले मीट ऐड किया, चिकन बीफ और उसके बाद एग नूडल्स ऐड किए। अब देखते हैं शेफ इसमें नेक्स्ट हमारे साथ क्या ऐड करते हैं। जी, अभी जो है ना मीट कुक हो गया है। जी, रो नूडल्स है, चाइनीज नूडल। ठीक है, इसको थोड़ा हाथ से यहाँ पे फंगस मशरूम। ठीक है, फंगस होते हैं ये डालते। साथ में है ब्लैक मशरूम। ठीक है, ये भी आप लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं? जी जी बिल्कुल, बाहर से। और वो जो फंगस आपने डाली थी क्या था उसका नाम? वाइट फंगस। ये जी बीन स्पॉट्स। ठीक है, बुक चाय, ये भी इंपोर्टेड वेजिटेबल है। ऑलराइट, देखने में तो ये बहुत मजे का लगता है, देखते इसका टेस्ट कैसा होगा। ये जी चाइनीज कैबेज। और लास्ट में है ये टोफू। अब 2 से 3 मिनट इसको ऐसे रखेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। इसके खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, शेफ हमारे साथ सर्व करने लगे हैं। जी तो शेफ ये बिल्कुल रेडी टू ईट है। जी, आप ये रेडी है, आप ट्राई कर लें। ऑल राइट, तो सर्व ही हो चुका है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए। आइए इसको ट्राई करते हैं। बहुत मज़े का लगा मुझे। अगर आप लोग भी ये हॉटपॉट ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर विजिट करें। जी तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोबू के मैनेजर अब्दुल मालिक साहब, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, इस सेटअप को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो चुका है? जी तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। रिवायती खान तो हमारे लाहौर में बहुत मिलते हैं, आपने चाइनीज़ की तरफ क्यों स्टार्ट? बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, पैन एशियन कुजीन है, इसमें चाइनीज़, जैपनीज़ और थाई है। हमारा जो बेसिक और स्पेशल है वो चाइनीज़ एंड थाई है, और जैपनीज़ हम इसमें जो है एक अलहदा से टच दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह तीनों हमारे बहुत कामयाब गए हैं। हमारी जो है मुख्तलिफ ब्रांचें हैं पूरे लाहौर में। आपके पास और मज़ीद क्या वैरायटी है यहाँ पर बताना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पैन एशियन में हमारी जो है तकरीबन सारी चीज़ें बड़ी फेमस हैं, जिसमें सी फूड भी है, फ़िश में बड़ी अच्छी आइटम है, हमारा डायनामाइट प्राउन है, हमारी लेमन ग्रास फिश है, उसके अलावा जो हमारा जो क्रंची हनी चिकन है, चिली ड्राई है, नोवो स्पेशल चिकन है। सबसे पहले हमने जो है जो पैन एशियन को इंट्रोड्यूस किया है खासकर इस तरह के खानों में, ट्रेंड सेटर नोबूस कह सकते हैं। बिल्कुल, वैसे नोबूस को लॉन्च हुए कितना टाइम हो चुका? ऑलमोस्ट 4 ईयर हो चुके हैं मैडम। सब ब्रांचेस से आपको ऐसे रिस्पॉन्स हासिल? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ब्रांचों में। अक्सर तो हमारे पास सीटिंग अवेलेबल नहीं होती वीकेंड के ऊपर। हाँ जी राइट, इनके पास सीटिंग अवेलेबल नहीं होती। नोबू का मतलब क्या है? नई चीज़ का नाम है नोबू। तो बेसिकली नोबू को जो है अक्सर लोग गलत उसका नाम लेते हैं, बेसिकली NOVU नोबू है, तो नोबू से पैन एशियन हम लोग मशहूर हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि रिवायती खानों से हटकर हम लोग आपके लिए कुछ नया लेकर आए, और अगर आप लोग भी अच्छा खाना खाना चाहते हैं, स्पाइसी खाना खाना चाहते हैं, तो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं नोबूस पैन एशियन कुजीन। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।